Students of joining Lissy School, a speech by resource person Sri. थैंक यू वेरी मच सर, हमारा थंब्स अप लव को रिसीव कर दिया है। बड़ा थंब्स अप लव है, सो इसे बहुत बड़ा समझ के आप लोग ग्रहण कर दीजिएगा। आप लोग बहुत दूर से आए हमारे मेहमान जन, सो सभी को हम तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। साथ में साथ के साथ में और भी जन है तो आप लोग भाई अब भी साथ में तो मीठा कमरी ब्रोय फ्रॉम क्लास टू रैंक वन शायद नहीं होंगे। नेक्स्ट में मिस किलो यासुन क्लास टू से सेकेंड रैंक कुंदा दोलू आप आ जाएगा, पेरेंट्स में साथ में आ जाएगा। नुले ऐसे पिता तो ये कौन है रैंक आप दोनों रेडी हो जाएगा। यस स्टूडेंट क्लब करो कंग्रेचुलेशन है ना वो आपका फ्रेंड के लिए। रैंक सेकंड आप दोनों के आ जाएगा। परिवार से और सभी ऑन बिहाफ गेस्ट की ओर से पेरेंट्स की ओर से आप अपने टाइम को नहीं दबाते हुए आप लोग अपने टाइम को ले लीजिएगा। अच्छा काम करता है वो है आप लोग क्या है पढ़ाए यहाँ में टीचर के लिए यहाँ मैनेजमेंट कमिटी के लिए स्कूल बच्चा लोग स्टूडेंट लोग यहाँ का खेती कर देने के लिए उसका प्राइस देने के लिए और उसका ये बेनिफिट देने के लिए और कॉन्ट्रैक्टर देने के लिए यहाँ नहीं आया है। यहाँ में स्टूडेंट लोग आता है टीचर का नाम को रोशन करने के लिए है और मैनेजमेंट स्कूल मैनेजमेंट कमिटी का नाम को रोशन करने के लिए है। आप लोग का टीचर स्टूडेंट का ड्यूटी है पढ़ाई। आप लोग जितना अच्छा एक पढ़ाई करेगा उतना ये टीचर का एक नाम रोशन होगा, ये जायन इंग्लिश स्कूल का नाम एक रोशन होगा। सबसे पहले आप ये मीडिया फ्रेंड्स को धन्यवाद देना चाहूँगा आपको, क्योंकि आज आपका द्वारा हम लोग ये जायन इंग्लिश स्कूल को हम लोग फोकस में ला रहा है, क्योंकि ये एक हम लोग का स्कूल ही नहीं कि मतलब हम लोग का संदूपोता सर्कल का एक एसिट है। तो हम यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और ये स्पेशली हम लोग का कॉपरेशन डिपार्टमेंट से यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि यंगने अरुम मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रनिंग हो रहा है तो उसका चेयरमैन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज पहले बार हम ऐसा लग रहा है हमारा अरुणाचल में हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी को मतलब आगे बढ़ा रहा है और वो भी ये यंगने अरुम कोऑपरेटिव सोसाइटी का द्वारा हम देख रहे हैं। तो इसलिए यहाँ आके हम एज ए चेयरमैन मैं बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा ही ये
चलना है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, और हम लोग आगे क्या सुविधा देगा हम बाद में उसको तय करेगा। हाँ, आज हम लोग एक हॉस्टल जो टू टीचर क्वार्टर हम लोग ये हुआ है, उद्घाटन भी हुआ है, और उद्घाटन करके हम लोग यहाँ में आज पेरेंट्स डे प्रोग्राम में आया है। तो यहाँ में काफ़ी बच्चा है जो कि इतना अच्छा है, यहाँ में मिड ऑफ द हम लोग का सर्कल में ऐसा स्कूल रनिंग कर रहा है। तो हम लोग चाहता है हमारा जितना भी पेरेंट्स लोग साथ देना चाहिए स्कूल का, जो यहाँ का मैनेजमेंट कमेटी और टीचर का साथ में, ताकि बच्चा लोग बहुत अच्छा से और आगे बढ़ सके और आने वाला पीढ़ी में बच्चा अच्छा काम कर सके। क्योंकि जो हम लोग अच्छा अगर बच्चा को शासन और शिक्षा नहीं देगा तो फ्यूचर में बच्चा का हर चीज़ हम लोग का मतलब सफलता होने के लिए ये नहीं सकता है। इसलिए हम चाहता है हम ये स्कूल को भी मैं ये सुझाव देगा और आगे बढ़ने के लिए अच्छा काम कार्यों करते रहे और जितने भी सुविधा देंगी हम लोग कोशिश करेगा। आजकल के जनरेशन में सर बच्चे बहुत जल्दी किसी निगेटिव चीज़ में के तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे कि आपने अपना भाषण में भी मोबाइल फ़ोन का जिक्र किया, तो आप क्या कहना चाहेंगे उससे अपने बच्चे को अपने पेरेंट्स की तरह दूर रख सके या बचा सके? मैं आज जितना भी ये पेरेंट्स लोग को, सिर्फ यहाँ में ये स्कूल में आने वाला पेरेंट्स को नहीं है, हर एक पेरेंट्स को मैं यही सुझाव देना चाहूँगा और संकेत देना चाहूँगा, बच्चा को जब आपका मोबाइल फ़ोन देने से, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वहाँ मोबाइल में छोटे बच्चे जो मोबाइल को देख के वहाँ में हर किस्म का वीडियो डालता है, हमारा वेबसाइट में और अलग अलग किस्म का वीडियो देता है, उसको बच्चा देख के उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और उसका रहन दहन भी उसका हिसाब से हो जाता है। इसलिए आजकल पढ़ाई लिखाई उन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, और पढ़ाई लिखाई का बदली में माँ पिताजी मोबाइल का मोबाइल फ़ोन को सेल फोन को उसका बच्चा का हाथ में थमा देता है, तो उसको ना ये बच्चा को बोलता है कि आप ये पढ़ाई करो ये होमवर्क करो, ऐसा नहीं कर रहा है बच्चा को। आजकल का ज़माना में हम लोग का माँ पिताजी अलग ये में मतलब तरीका में डाइवर्ट हो रहा है, इसलिए उसे देख के जो हम लोग का इस ज़माना में जो ड्रग्स एडिक्शन निकलता है, जो हम लोग का लड़ाई झगड़ा निकल जाता है, बदमाशी निकलता है, जो मोबाइल की जरिए मोबाइल को दीजिए लेकिन एक यूज के लिए दीजिए, जो बच्चा को हर समय में देखने के लिए मौत दीजिएगा, ये हम हर पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और ऐसा अगर आप लोग का अंदर में बच्चा को कंट्रोल करेगा तो भी आपका बच्चा मतलब ये वर्ल्ड से जो हम लोग का ज़माना जो अच्छा ज़माना नहीं है उसी ज़माने से बच्चा लोग बाहर निकलेगा। आपने स्कूल में विजिट किया सर, तो यहाँ के टीचर्स के लिए आपका कोई मैसेज रहेगा, कोई एडवाइस रहेगा? और मैं टीचर्स को यही कहना चाहूँगा, नॉट ओनली दिस स्कूल, तो हर टीचर्स को मैं यही कहना चाहूँगा, टीचर्स एक सेकेंड गोद कहा जाता है टीचर्स को, तो सेकेंड टू गोद बोलते हैं ना, तो इसलिए हम टीचर्स को यही सुझाव देना चाहूँगा, अपने जिसको भी बच्चा पढ़ रहा है वो बच्चा माँ का माँ पिताजी का वहाँ से अलग होके आपका जमींदारी में है, और हर बच्चा ऐसा अगर जमी बच्चा को अगर जमींदारी ले रहा है तो आप सोच लीजिए कि आप ही पिताजी है, आप ही माँ है, और आप ही सब कुछ है, और आप ही भगवान है, सब कुछ आप सिखा रहा है, गुरु का मतलब गुरु में काम करना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि बच्चा को केयरलेस हो, बच्चा का ये नाम को और बच्चा को अच्छा नहीं किया बोल के अब एब्यूज सिर्फ करना है, ये नहीं है, आप अच्छा तरीका में भी बच्चा को अच्छा संस्कार ला सकता है, ये हम हर टीचर को मैं सुझाव देगा। और यहाँ में तो आके देखा, मैं विजिट भी किया, यहाँ का टीचर लोग तो बहुत अच्छा है और बहुत जानकारी लोग है, और
बहुत लर्नेड लोग है। तो इसी तरह और मैं एक यहाँ ये वीडियो का जरिए आपका माध्यम में मीडिया का जरिए मैं कहना चाहूँगा, यहाँ में आजकल का टीचर लोग ऐसा होता है जो क्लास 9-10 पढ़ने वाला लोग यहाँ में पढ़ने टीचिंग करने आता है, बच्चा को जो स्पेलिंग तक अच्छा बात करने के लिए नहीं समझा सकता है, ऐसा कोई होता है हर मैक्सिमम स्कूल में ऐसा टीचर्स है, ऐसा गुरु है। मैं उस गुरु को मैं कहना चाहूँगा और इस टीचर को ये हेड ऑफ ये क्या होता है वो टीचर को जो इंचार्ज को मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ ऐसा को जांच करके और एजुकेशन का जितना भी मेंबर्स को एजुकेशन का जितना मिनिस्टर हो या ये डिपार्टमेंट हो, ऐसा टीचर्स को जांच करके हम लोग का यहाँ से और अच्छा टीचर लाने के लिए कोशिश करने से बहुत अच्छा रहेगा। और मैं बहुत सा स्कूल में देखा है ऐसा टीचर, तो इसलिए यहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा टीचर है जो पढ़ाई लिखाई अच्छा ये वाला है, तो इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और ये स्कूल को आज हम लोग यहाँ में पेरेंट्स डे में मैं एज ए रिसोर्स पर्सन आया हूँ। थैंक यू, थैंक यू फॉर द मीडिया कवरेज। ऑन बिहाफ ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमिटी जैन इंग्लिश स्कूल, ऑन रिगार्ड टू टुडेज प्रोग्राम आई वुड जस्ट लाइक टू ब्रीफ फ्यू लाइन्स। एज यू हैव सीन टुडे हियर एट जैन इंग्लिश स्कूल ऑन 23rd of this September 2023, with the school management committee, we organized parents meeting. So in today's parents meeting, the main aim and objective was to interact with the parents along with teachers and the students. Because of such meetings and programs, we can understand the bondings, we can understand the relations of teachers and students along with the parents. So some of the parents they gave their opinion on regards to today's program and on regards to the school management and on regards to the school on regards to the students' activities and their studies. So it was a fruitful meeting and it was a successful program.